उत्तराखंड पुलिस विभाग से गजब का मामला सामने आया है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हां, मामला रुड़की पुलिस का है, जहां पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार किया जिसे पुलिस ने ही 7 साल पहले मृत घोषित किया था और उसकी फाइल बंद कर दी थी। उम्र और खराब तबीयत को देखते हुए पुलिस ने कोतवाली में ही उसे जमानत देकर परिजनों के हवाले कर दिया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस इस बात की तफ्तीश में जुट गई है कि आखिर विवेचना में लापरवाही कैसे हुई। दरअसल कोतवाली गंग नहर क्षेत्र के नेहरू नगर निवासी रुकमणी कुकरेती ने सिविल लाइंस कोतवाली में 11 नवंबर 2013 को जमीन की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें सेवाराम और उनके बेटे सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने मामले को लेकर मुनेश, सचिन पाल, अंशुल, विनीत को गिरफ्तार किया था। वहीं साल 2014 और 15 में अलग अलग आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए थे। गिरफ्तार आरोपितों के बयान के आधार पर बिना तस्दीक किए हुए विवेचकों ने सेवाराम को मृत मान लिया। करीब 2 महीने पहले अगस्त 2020 में इस मामले की जांच कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रदीप कुमार को मिली। इस मामले में फरार चल रहे सेवाराम के बेटे यशपाल और अमित की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे। मामले में 9 सितंबर 2020 को यशपाल को गिरफ्तार किया गया था। यशपाल से जब उसके पिता के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसके पापा सेवाराम जिंदा हैं, उनकी तबीयत खराब होने के कारण अस्पताल में उपचार चल रहा है। ये सुन पुलिस दंग रह गई, जिसके बाद फिर से सेवाराम का नाम मुकदमे में शामिल कर जांच की गई और उसे गिरफ्तार किया गया। वहीं इसके बाद सेवाराम खुद परिवार वालों के साथ कोतवाली पहुंचा। विवेचक ने उसे गिरफ्तार कर कोतवाली से ही जमानत देकर छोड़ दिया। सीओ चंदन सिंह बिष्ट ने बताया कि आरोपित सेवाराम की उम्र और खराब तबीयत को देखते हुए कोतवाली में ही जमानत देकर परिजनों के हवाले कर दिया गया। इस पूरे मामले में किस स्तर पर लापरवाही हुई है, इस बात की जांच की जाएगी और संबंधित अधिकारियों को इस बाबत अवगत कराया जाएगा। ये थाना रुड़की में करीब 7 साल पहले एक 420 का मुकदमा कायम किया था, जिसमें जमीन की धोखाधड़ी का मामला था। उसमें कई अभियुक्त थे, 5-6 अभियुक्त थे, जिनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ चार्जशीट भी न्यायालय प्रेषित कर दी गई थी। लेकिन उसमें पार्ट पेंडिंग चल रहा था एक व्यक्ति सेवाराम नाम का, जिसे उस टाइम पर विवेचक द्वारा किसी कारण से जानकारी क्या रही ये पता नहीं, लेकिन उसने उसको मृत घोषित कर दिया था। विवेचनाओं में उसको मृत घोषित चलता रहा। उसके साथ का एक को एक्यूज और था, जिसको अभी SI प्रदीप जो रुड़की में है, उनको जब विवेचना का ये भाग मिला है पार्ट पेंडिंग का, तो उनके द्वारा जब जांच की गई तो उसमें सेवाराम, जिसकी उम्र करीब 86 ईयर्स है और मेडिकली अनफिट भी था, वो उसको लेकर गिरफ्तार करके वो लाए थे थाने पे। और जब उससे पूछताछ की गई कि उसे मृत घोषित कैसे किया, तो उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके पास कोई पुलिस वाला कभी गया भी था। उस पर जांच की जा रही है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।